मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री बने हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, इसलिए उनका बनना लगभग तय था। लेकिन यदि सांसद अनुराग ठाकुर भी केंद्रीय मंत्री बनते तो बहुत अच्छा होता, दो दो मंत्री हो जाते। पहले भी दोनों मंत्रिमंडल में मंत्री थे, ऐसे में प्रदेश को इसका लाभ पहुंचता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का जो पानी देने का मामला है वो दिल्ली से समझौता हो चुका है, और जो पानी हिमाचल से हरियाणा होते हुए दिल्ली जाएगा, और पानी हमारी संपदा है। ऐसे में हम हिंदुस्तान की निवासी हैं और पानी देना हमारे लिए दायित्व है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा बहुत मूल्य प्रदेश को मिलना चाहिए ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। जेपी नड्डा जी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका बनना तय था। अगर अनुराग जी भी बन जाते तो भी अच्छा हो जाता, दो दो मंत्रिमंडल में पहले भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, तो जो भी मंत्रिमंडल में बनता है उससे प्रदेश को फायदा ही होता है। नहीं, दिल्ली को जो पानी देने का मामला है वो हमारा दिल्ली सरकार से समझौता हुआ है, और मैंने उनसे कहा है कि दिल्ली सरकार को जो हम पानी देंगे वो हम अपनी संपदा है, उस पानी पर हम दिल्ली सरकार से क्यूसिक मीटर या लीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे, उस पर दिल्ली सरकार ने सहमति बना दी है। अब दिल्ली हिमाचल से जो पानी छोड़कर जाना है वो हरियाणा होकर जाना है, तो हमारा उसमें कोई ज्यादा वो रह नहीं जाता। हम पानी देने को तैयार है, हमारे पास पानी है, हम भी हिंदुस्तान के निवासी है, भारत के जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको हमारा पानी हरियाणा को भी मिले और दिल्ली को मिले, हमारे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे पास जो रिसोर्स है उसमें हमने कहा है कि जो पानी हम देंगे वो हम उनसे थोड़ा बहुत उसका मूल्य जरूर चार्ज करेंगे ताकि हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर।